एक अच्छी सीरियल की बात कर ली हमने, मैं आपको बता दूं इसके इसी से जुड़ी हुई एक और मस्ती मजाक की फिल्म जिसका नाम भी मस्ती मजाक का था, रफू चक्कर। ये है तो वो उधर है। आपने उसमें मुझे याद है ऋषि कपूर और आप होते थे, औरतों की ड्रेस पहनकर आते थे, तो ऋषि कपूर थे कि आप भी थे? नहीं, दोनों दोनों थे। फॉर 80% ऑफ द फिल्म हम दोनों लड़कियों की ड्रेस में थे। ओहो, मेरा सवाल आपसे इसीलिए है, ये नहीं कहूंगा सवाल नंबर ये आपको ऑप्शन क्या है वो नहीं बोलूंगा, पर मैं ये करूंगा कि आपको पता है मैंने ये सीरियल, ये जो मुकेश खन्ना दी मुकेश खन्ना शो शुरू किया, उसका बेस फाउंडेशन यही था कि उस सीरियल उसके अंदर शो के अंदर औरतों के कपड़े पहन के आती है, कॉमेडी करते हैं, मैं तेरे यहाँ बैठ सकती हूँ क्या, और ये हाय हु ही। मैंने कहा क्यों औरतों के रोल में औरतों को क्यों नहीं लेते आप, और क्यों कॉमेडी आप निकलवाते हो ड्रेस पहन के कभी टकल। तो माय क्वेश्चन आप सुन लीजिए, यू डिड अ फिल्म रफू चक्कर विद ऋषि कपूर वेयर यू वोर औरतों के कपड़े, और वाज इट इन ओनली ऋषि, टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस। देखिए, लड़की एक लड़के को लड़की बनना हालात की वजह से, सिचुएशन की वजह से कुछ गलत नहीं है, होता है, जिंदगी में भी होता है। हमारे कई राजा महाराजा दुश्मनों से बचने के लिए औरतों के गेटअप में भागे, रामदेव बाबा, सो मेनी। मैं इनकी बात नहीं, मैं राजा महाराजों की बात भी कर रहा हूं, जरूरत की बात, जस्टिफिकेशन की बात, लॉजिक की बात। जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है जहां एक लड़के को लड़की बनना है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग। नाउ व्हाट इज रॉन्ग? रॉन्ग इज जब आप फूहड़पन करते हैं, रॉन्ग इज व्हेन यू पोर्ट्रे द वुमन यू हैव मेड इन टू अ रॉन्ग स्टफ, चीप स्टफ, रॉन्ग स्टफ। आप फूहड़ता उसकी अदायगी में जो लाते हैं वो गड़बड़ है। आपने रफू चक्कर की बात की, रफू चक्कर में मैं और ऋषि कपूर 70-80% फिल्म में लड़कियां बने थे, 70-80%। यस, और उस जमाने में पिक्चर हिट हुई थी, बहुत सुपर डुपर हिट थी। अब क्यों ऑडियंस को अच्छा लगा था, क्यों पैलेटेबल था, क्यों इंटरेस्टिंग था, क्यों उसको उन्होंने खुले हाथों से एक्सेप्ट किया? बिकॉज ये जो दो लड़के हैं एक मर्डर देखते हैं, आई विटनेस बन जाते हैं, और दुश्मन जो हैं द गैंगस्टर्स डोंट वांट एनी आई विटनेस, तो ऑर्डर दे देते हैं अपने बंदों को किल देम। अपनी जान बचाने के लिए दोनों लड़कियों का भेस लेके अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं, और जिस दौरान ये लड़कियां बने हुए हैं वो जेन्युइनली लड़कियां बने हुए हैं, दे आर नॉट रिडिक्यूलिंग इट, दे आर एक्चुअली फीलिंग लाइक गर्ल, बिहेविंग लाइक गर्ल, एंड वो जो सेंटिटी है, वो जो स्वच्छता है कैरेक्टर की, वो जो उसकी उसका पॉइज है, उसकी जो एक हद है, उसमें रह के। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि लड़का लड़की बनना बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, उसको गलत तरीके से पेश करना, उसमें फूहड़ता, स्टूपिडिटी, वल्गैरिटी, लो ग्रेड बनाना, वो गलत है, जो हमने रफू चक्कर में बिल्कुल नहीं किया था। दैट्स वाई जो भी रफू चक्कर की बात करता है, तारीफ करता है, गाली नहीं देता, इवन मुकेश खन्ना, मैं भी नहीं दूंगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, कॉमेडी जो होती ना अच्छी, उस सिचुएशन इस पे भी आई डोंट एग्री। नहीं, देर आर 3-4 काइंड्स ऑफ कॉमेडीज। एक सिचुएशनल कॉमेडी होती है, ऑफकोर्स वेरी गुड, एक डायलॉग कॉमेडी होती है जो हमारे देवन वर्मा करते थे, आईएस जौहर साहब करते थे, डबल मीनिंग वाली बात नहीं कर रहा, मैं कॉमेडी की वैरायटीज की बात कर रहा हूँ। कहीं पे जो मेरा ओरिजिनल स्टाइल है इज अ स्लैपस्टिक, जैसे चार्ल्स चैपलिन साहब थे, या बस्टर कीटन, जेरी लुइस, देन ये अपना लॉरेल हार्डी। सो हर कॉमेडी के बहुत स्टाइल्स हैं, बट बात वही है, कोई भी स्टाइल करो उसमें वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। मैं उसके खिलाफ, मैं भी उसके खिलाफ। बस तो ठीक है, तुम मेरी पार्टी में हो, दूसरी पार्टी। मैं यही मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो अच्छा था, और मैं चाहूँगा कि हमारी इस बात का कुछ मैसेज पब्लिक पे भी जाए कि भाई आप भले ऐसी कॉमेडी को एक्सेप्ट मत कीजिए जो जो किसी को गिरा रही हो, जैसे गंजेपन के ऊपर कॉमेडी हो जाती है, मोटेपन पे कॉमेडी हो जाती है, वो नहीं, उसके बदले सिचुएशन में, जो मैं एक सिचुएशन बोलता हूँ, चलती का नाम गाड़ी एक फिल्म आई थी,
आज भी देखो 10 बार हंसी आती है उसको देख के, बिकॉज वो सिचुएशनल कॉमेडी। अनूप कुमार, अनूप जो है किशोर कुमार का भाई, नीचे घुस जाता है क्योंकि लड़की आके खड़ी हुई है और बैठा अंदर नहीं निकलता, दैट्स ऑल सिचुएशन। यस, पड़ोसन, पड़ोसन इज अ दीज आर द बेस्ट ऑफ द सो मेनी ऑफ दैट। सो सत्य पे सत्ता, वी वर नेवर वल्गर एनीवेयर। सत्य पे सत्ता वाज अगेन इंग्लिश फिल्म, नो व्हाटएवर, हिंदी में बनी, बट नोबडी वाज वल्गर, वेरी वेल मेड, नोबडी वाज वल्गर, नोबडी वाज वल्गर। And comedy was again you were very seriously performing a comedy character. Comedy is a very serious job, so you have to do it. Comedy is a serious job. मैं इस पे believe करता हूँ, आप भी सुन लीजिए, comedy is a serious job. अगर comedy और फुवरता में एक thin line होती है, अगर आपने उसको seriously नहीं लिया तो कभी आप ठड़ाक से उधर चले जाओगे जिसमें आपका intention नहीं था. So comedy करना more difficult than tragedy. आपने अच्छा, मैं इसके ऊपर मेरा आगे का question अभी लेके आता हूँ. आपने इतने रोल्स किए, कितने फिल्में की आपने? 350 फिल्में की आपने, कॉमेडी भी किया, कॉमेडी सीरियस विलेन्स भी किया, एवरीथिंग किया। आपको कौन सा जॉनर ज्यादा अच्छा लगता है, कॉमेडी या सीरियस? आई एम कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। व्हाई? दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड एक्टर। यस, व्हाई? बिकॉज़ क्या है मुकेश, यू एज एन एक्टर विल अंडरस्टैंड कि आपको जब भी कोई रोल मिलता है, इट इज नॉट अ रेपुटेशन ऑफ एनी अदर रोल, इट्स अ न्यू चैलेंज। Like emotion is always new, a character is always new. But I wouldn't agree with you because हमारी industry में beard, हमारी industry में image। आप एक actor से बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक industry का representative हर नहीं, आपको बोलते हैं आपको हर role मिलते हैं, यहाँ पर typecasting हो जाती है। Sister है तो आप जिंदगी में। I was typecast. Until I proved otherwise, because I wanted to be like Om Prakash ji, I wanted to be like people, mere seniors, Jeevan sahab, jinhone comedy bhi kiya, rulaya bhi. Om Prakash ji is one of my idols. Aur luckily, wo bhi ek choti si kahani hai. My first fan in the film industry was Om Prakash ji. Really? To kehne ka ye matlab hai ki आपको, मुझे तो ये चैलेंज चाहिए था कि डिफरेंट रोल दो यार, आई एम केपेबल, आई एम नॉट अ टाइप कास्ट कमेडियन। तो मुझे मिले, मुझे अच्छा, आई वॉज अ गुड डांसर, तो मुझे गाने भी बहुत मिले। आई हैव डन अबाउट 50 सॉन्ग्स इन द फिल्म्स अब तक। गाने आपको बहुत मिलते थे, तो गाने मिलते थे, आपको मिलते थे, आपको मिलते या गाने मिलते थे। कॉमेडी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कुंवारा बदन का जहां रेप किया, खोटे सिक्के में जहां मैं मर्डर हुआ मेरा। सो द पॉइंट इज दैट एज एन एक्टर मुझे हर रोल चैलेंजिंग लगता है बिकॉज आई हैव नॉट डन इट and I want to do it, I want to experience a new life. मैं इतना समझता हूँ इससे आपकी टॉक से कि ये है कि काबिलियत आपकी उसमें है कि आपको सेम चीज मिलती है लेकिन आप उसको किस तरह से डिफरेंटली पेश करते हो। तो वो तो हमारी ट्रेनिंग में वही काबिलियत आती है, हर एक्टर में नहीं होती। नहीं, हमारी ट्रेनिंग में है, आपकी ट्रेनिंग में, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल, आई एम इंडिविजुअल। आप जो कैरेक्टर करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, मैं अपने, बट आपको सिचुएशंस सेम रिपीटेड डायलॉग्स मिलते हैं, यार इतना क्या कुछ लेते क्यों नहीं, क्या शिकल बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं, टिपिकल डायलॉग। बट हाउ यू स्पीक इट इन डिफरेंट, दैट इज अ ग्रेटनेस, दैट इज योर इंडिविजुअलिटी। वेजल, कमिंग टू योर पॉइंट अगेन एज एन एक्टर, मैं धीरे धीरे पब्लिक को ये रियलाइज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो शख्सियत बैठी हुई है वो आप उसको सिर्फ कॉमेडियन समझ के मत करिए। मैंने जूनियर महमूद को बुलाया था, मैंने जूनियर देवानंद को बुलाया था, मैंने संदीप पाल को बुलाया है, और गलती से किसी ने लिख दिया। मैं इसको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि पेपरों में छप गया, मैं मुकेश खन्ना ने कहा कि मैं, मुझे कॉमेडी में फुवड़ता पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा शो कर रहा हूँ जो मेरा शो का रीज़न बताया, और मैं ला रहा हूँ सुनील पॉल को। तुमने कहा मुकेश जी लेकर आने कॉमेडी शो, कॉमेडी शो, अरे मैंने कहा मेरा ये शो ऑलरेडी चल रहा है जो कॉमेडी नहीं है, जहाँ पे अलग। तो ये इनको आप लाइटली मत लीजिए, ये वन ऑफ दी जिसको हम कह सकते हैं कि घाट घाट का पानी पिया वो कोई कैरेक्टर होता है, जो कहते हैं कि ये ऐसे बाल सफेद नहीं हुए, ये वो है जो 52 इयर्स से उस जमाने की शुरुआत की। कौन से एक्टर्स आपके साथ काम करते थे? सारे, ऑल द वे, मुझे नाम दीजिए, दो नाम दीजिए। ओम प्रकाश जी, डेविड अंकल, नादिरा जी, रहमान साहब, देवानंद, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, और सबसे काम किया ऑफ कोर्स बैराग। उस जमाने से लेकर आज के सलमान को और आमिर खान को लेकर इवन मुकेश खन्ना के साथ काम किया, इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। मैं इनके बारे में एक और इनकी काबिलियत को आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो शायद जानना चाहिए बट कई लोगों को पता नहीं है। ही इज द ओनली माइम आर्टिस्ट इन अवर, नहीं,
स्कूल, दैट्स अ डिफरेंट क्लास, वो डिफरेंट क्लास। सो ये मुझे पता है आपकी उसकी वो आर्ट के बारे में, वो आर्ट फॉर्म है जिसको के मूक अभिनय कहते हैं, मूक अभिनय कहते हैं। और माइम में दो कैटेगरी हैं, एक है माइम विच इज प्योर माइम, जहां एक कलाकार बगैर किसी प्रॉपर्टी के, म्यूजिक के, बैकग्राउंड के, कुछ भी नहीं, म्यूजिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सोलो पर्सन खड़ा होके अपना पूरा थॉट कन्वे करता है, इमोशनल कॉमेडी वॉट एवर, फेस से एक्सप्रेशन एंड बॉडी जेस्चर्स, बस उसे कहते हैं माइम, विच इज प्योर माइम, जो मैं करता हूं, जिसका सानी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मेरे से mime, मेरे से पहले इरशाद पंजतन साहब थे, लेकिन इरशाद पंजतन साहब जब इंस्टीट्यूट आए तो उन्हें पता लगा कि मैं ऑलरेडी माइम करना शुरू कर दिया है, तो ही जस्ट पॉलिश्ड मी, डिडंट टीच मी। मेरे टीचर थे मार्सल मार्चियो, द वर्ल्ड फेमस माइम, जिनकी फिल्में देख के FTII में मैंने माइम अपने आप एकलव्य की तरह सीखा था, प्रैक्टिस करके। तो आई एम दी प्योर माइम, इसलिए मैंने कहा कि इंडिया में दूसरा माइम नहीं है अभी तक, भगवान करे। माइम इज मूक अभिनय, मूक अभिनय, इट्स अ फॉर्म। कैसे कह सकते कि और कोई नहीं है, आपने कोई, आपके सामने कोई नजर नहीं आया, कोई आया ही नहीं ना। दूसरा है पेंटोमाइम, अनदर वर्जन इज पेंटोमाइम। पेंटोमाइम में बहुत लोग हैं, कलकत्ता में बहुत लोग हैं। पेंटोमाइम इज अ इजियर वर्जन ऑफ माइम। ओके, पेंटोमाइम में आप कपड़े यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, आप इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे माइम में टेलीफोन पड़ा है तो आपको एक्सप्रेशन और एक्शन से बताना है टेलीफोन है। पेंटो माइम में आप टेलीफोन की घंटी मार सकते हैं तो पीपल इमीडिएटली कनेक्ट के टेलीफोन बजे। वहां पर आपको सिर्फ ये तो यू मीन द साइलेंट फिल्म में यही होती थी फिर, जब साइलेंट फिल्म में बेसिकली माइम ही होता है। यस, मोस्टली इट वाज, ही वाज अ वन ऑफ द बेस्ट माइम्स वी हैड। यस, तो माइम एंड पेंटो माइम, आई एम अ माइम। और मेरे पुराने जमाने में बहुत एड वैड बने, नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बैठे-बैठे कर रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे क्या होता है कि अब जैसे सपोज इस कुर्सी पे पहले कोई लड़की बैठ के यहाँ पर इंटरव्यू दे के गई है, सडनली मुझे कुछ नजर आया, ये बाल गिर गया। So without any prop, you created the prop. You created. And if it's all imagination and believing in imagination while doing it and using the whole body and the expressions to see. Difficult. So it is very difficult. It's classified as the highest form of drama. Would you? Mime is the highest form of drama. It's a statement in the world. इसमें मुझे याद आ रहा है कि आपको एक एक कोहिनूर का सीन याद है? पृथ्वी थिएटर में शो किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ पृथ्वी थिएटर वर्कर्स के लिए, बहुत साल हो गए। मेरा सोलो शो था एक घंटे का, एंड उसमें मेरा एक आइटम है वॉक ऑफ लाइफ इज के एक बंदा स्टेज पे इस तरफ है, जहाँ ही इज टेकन अ बर्थ एज अ चाइल्ड, एंड ही ओपन्स अप एंड ही लुक्स अराउंड द वर्ल्ड, टेक्स हिज फर्स्ट स्टेप, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है, एंड एज ही स्टार्ट्स वॉकिंग एक ही जगह पे, एज ही स्टार्ट्स वॉकिंग देन ही टेक्स अ टर्न, जब वो टर्न लेके वापस आता है तो उसकी उम्र बढ़ गई है। क्या बात, ही इज बिकम अ यंग बॉय, देन ही बिकम्स अ स्कूल बॉय, देन ही बिकम कॉलेज बॉय, देन ही बिकम्स ऑफिस गोइंग मैन, देन ही बिकम्स अ मैरिड मैन, देन ही बिकम्स बच्चे साथ में, बीवी साथ में, देन ही बिकम्स एन ओल्ड मैन, एंड देन ही वॉक्स विद द स्टिक, एंड देन ही टेक्स अ टर्न, एंड नाउ ही कांट वॉक, एंड ऑन द अदर साइड ही गोस, जैसे वहां बच्चा बना था यहाँ बुढ़ा बन के ही डाइस। क्या बात है, क्लैप क्लैप मारी इसके एक्सप्लेनेशन को, और ये परफॉर्मेंस कभी आपको कहीं ना कहीं दिखाएंगे। तो मुझे याद है कि शशि अंकल वॉज देयर, जेनिफर जी थी, सबने खड़े होकर तालियां मारी, पृथ्वी थिएटर, दे वर द चीफ गेस्ट।
बस सब ने तालियां मारी, बहुत साल हो गए काफी साल नेचुरली। Well, मेरे लिए तो वो तगमा बन गया ना। डेफिनेटली यार, मतलब तो ये बात तो ये आपने फिर जब एज ए टीचर वहाँ गए तो आपने लोगों को सिखाया उनको ये सब चीजें? हाँ, जहाँ जहाँ माइंड की पॉसिबिलिटी हुई मैं सिखाता हूँ। बट इसके लिए क्या मेहनत बहुत है, तो लोगों का इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता ना, इंटरेस्ट है। सर मैं आपको बता दूँ, मैं इंस्टीट्यूट में था, मेरे साथ नसीर और मैंने कहा जैसे आपको थे मिठुन चक्रवर्ती होते थे हमारे सीनियर, विजेंद्र गाड़गे, बेंजी, टॉम हमारे एक साथ, और हम आपको याद है ना पूरी ऐसी होती थी जो हॉस्टल की तरफ से रोड थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई, तो हम लोग जूनियर, जब आप जूनियर हैं तो फिर आप एक हफ्ते तक तो आपको याद भी नहीं होता कि आज मंडे है कि ट्यूसडे, ए इधर आओ, पूरा गुरु को बुला देते चलो फर्शी सलाम मारो, तो हम लोग ना ऑलरेडी सताए होते थे, तो हम लोग ना समय से देखते थे। तो आई यूज़ टू रिमेंबर एक कैरेक्टर शॉल वॉल लपेट के आता था, आई यूज़ टू वॉक मैं देखता था ऐसे, मैं वैसे तो फिल्म मेरा भाई साहब फिल्म बना रहे थे, मैं छोड़ के आया था तो देखा मिठुन चक्रवर्ती। तो यू नो मैंने कहीं पे मजाक कहा है कि अगर आप पूना में जाओ तो पूना में अगर आप कहीं पे जूस स्टॉल के ऊपर कहीं कुछ लड़के लड़के को देखो, आपके जेस्चर से बनेगा कि ये लोग इंस्टीट्यूट के हैं, सब समझते हम स्टार बन गए, क्योंकि वॉक में ये नहीं होता, दो साल आपको मिलते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में काम करने को, यू आर राइट कि ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। वही मैंने कहा ना, आजकल क्या हो गया है, टेलीविजन फिल्में देख देख के सब एक्टिंग वहां से सीख गए कि अगर रोने का सीन है इस तरह का तो यूं करो। ये तो आज की बात, हम बात कर रहा हूं मैं उस वक्त क्या हुआ, दस लड़के लड़कियां आप लोगों के बाद तो वो डाइल्यूट होता गया। उसके बाद क्या हुआ, इंस्टीट्यूट को इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई कि लोगों को ये था कि मुझे एडमिशन मिल गई, मैं स्टार बन गया, इसीलिए आपका ये हो गया कि मैं तो बन गया, अटेंड करके क्लास गया, मैं तो मतलब ओ जी पापा जी मैं बन गया। और मैंने वहाँ काम किया, मैंने थोड़ा बहुत मतलब मैं कुछ थोड़ा सीरियस एक्टर सीरियस स्टूडेंट रहा हूँ, शायद मैं भी बीएससी एलएलबी करके मैं वहाँ गया था। तो अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको याद है एक बार हम एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे, लंबी सी टेबल थी, एक तरफ मैं प्यार का दर्द है, नहीं मैं आगे बढ़ गया, थोड़ा ड्रामेटिक वर्जन बताना चाहता हूँ। बड़ी सी टेबल, मैं यहाँ बैठा था और ये साहब हमारी दरवाजा खोल के आगे बैठे थे और मेरे सामने एक स्क्रिप्ट रखी थी, मुझे उसको पास कर रहा था, मैं चेयरमैन था और ये प्रोड्यूसर थे, उस जमाने में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का मैं प्रोड्यूसर, मैं चेयरमैन रह चुका था, इन्होंने एक सब्जेक्ट लेकर आए थे बच्चों की उम्र, शायद हमारे पांडे ही लिख रहे थे, Robin was helping and Pandey, Brijesh. और क्या नाम था सब्जेक्ट का? चुटकी करके, मुझे खूबसूरत था और मैंने 20 लोगों को पास किया, मैं बहुत खुश था कि बच्चों की फिल्में बननी चाहिए, और अल्टीमेटली जब मुझे मालूम पड़ा कि तीन मिनिस्टरों ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं रिजाइन कर गया, अब इनकी सीरियल नहीं बन सकी, मेरे पीछे 20 या 19 या मैं समझ तो 60 फिल्में बनाने का खोलते जा रहा था, पैसे दो बनाओ, बच्चों की फिल्में होंगी तो बच्चे सीखेंगे, इनकी फिल्म नहीं बनी, कभी तुमने मुझ पर ब्लेम किया है कि खन्ना ने रिजाइन ना किया तो मेरी फिल्म बन गई? नेवर। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन माय रिजाइनिंग, शुड आई हैव रिजाइन? यू डिड द राइट थिंग, व्हाट यू फेल्ट, यू आर व्हाट यू फेल्ट इज अ वेक स्टेटमेंट, व्हाट डिड आई डू राइट और रॉन्ग एज अ प्रोड्यूसर, यू वर सफरर? सी नो आई एम नॉट अ सफरर मुकेश, मुझे रियलिटी अगर पता लगेगी आपका वर्जन और दूसरे वर्जन तो I will give you the correct, because I am a friend, I'll give you the correct version. But only thing is, at the moment, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं, जो भी इतनी डिटेल में नहीं सुनी, और कुछ उधर से अफवाहें सुनी हैं, so I am confused whether to say कि you are absolutely right. ये तो आज देखो, आज वैक्सीन को लेके ये बात हो रही है ना, इधर के वर्जन बोलते मत लो, इधर के बोलते ले रहे हो, पर मैं आपको बता दूं, मैं चाहता था कि एक शक्तिमान देखकर अगर बच्चे दूध पीना शुरू करे, 10 चिल्ड्रन फिल्म देख के बच्चों को क्या होगा, आप सिखा सकते हो उसको, तो एक दो दो 10 करोड़ एक साल का बिजनेस, और हर एक में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा था जो अच्छा सिखाने वाला था, 10 करोड़ में क्या होगा एक साल में, तो मैंने पैसे बढ़ाने की बात की, और मुझे तो कॉम्प्लीमेंट मिला था, रॉबिन भट्ट भी मेरे स्टोरी में था, बोला मुकेश, उन्होंने कहा कि अभी प्रकाश जावड़ेकर के जी भी कहा, बोला मुकेश जी वाज वन ऑफ द बेस्ट चेयरमैन, क्योंकि वो आगे बढ़ाना चाहता था, वाजपेयी सेड ही इज अ प्रोग्रेसिव चेयरमैन, एग्जैक्टली मैं बढ़ाना चाहता था, लेकिन इन्होंने बस साथ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, मैं पैसे नहीं दिए, मैंने कहा छोड़ो, एना इंटेलिजेंट थिंकिंग मैन लाइक यू विल नॉट टेक अ हार्श और रैश स्टेप, जहां लोगों को मैं तो चाहता था तो बना, अभी भी मेरे पास इस डेस्क के अंदर मेरे सबकी स्क्रिप्टें पड़ी हुई, पर तुम्हारी तो ईगो ही नहीं है, यू हैव नो ईगो, नो ईगो एट ऑल,
मैं तो कहता हूँ जिस दिन हो सकता है CFSI नहीं बनाएगा, मैं एक बार शक्तिमान फिल्म्स कंपनी खोलूंगा, ये सारी फिल्में बनाऊंगा। बट देखो लेट्स सी, मालिक ने चाहा तो बनाएंगे। एक एंड का सवाल पूछना चाहूंगा कि योर मैसेज टू द स्ट्रगलर्स, टू OTT प्लेटफॉर्म, टू टुडेज सैटेलाइट भेड़ चाल, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? जो कुछ कुछ आप हम बोल ही गए हैं, पर आपका कोई मैसेज है जो कोई स्ट्रगल नहीं देखिए गांवों से बनने को एक्टर? मैं OTT चैनल्स ये वो के बारे में टेक्निकली उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मत बोलिए, चलिए छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा तो स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा। आप तो टीचर रह चुके हैं। हाँ, अभी भी हूँ, अभी भी एक्टिवली क्लासेस लेता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं वो पहले ये समझें कि ये सारा खेल क्या है, और ये खेल क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझें, झांके अंदर, अपने अंदर झांकें, अपने आप को समझें, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, अपीयरेंस, अपने प्लस अपने नेगेटिव को समझ के डिसीजन लें। क्योंकि हर कोई एक्टर नहीं बन पाता, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, ये बहुत डिवोटेड डेडिकेटेड काम है। ये बचपना नहीं है कि आप बस कि मैं एक्टर बनूंगा, मैंने इसको देखा ऐसे करते, इस सीन में इसको देखा ऐसे करते और मैं एक्टर बन गया। नो, ये डिवोशन का काम है, पूजा का काम है, और अगर आप एक्टर बन जाते हैं तो फिर ये आत्मा के सुकून का काम है। क्या बात है, ये निर्वाणा है। ये मेरी बात आप मान लीजिए, मैं टीचर भी रहा हूँ, मैं खुद एक एक्टर हूँ और आज भी टचवुड बहुत काम कर रहा हूँ। सो प्लीज़ डू योर होमवर्क, अंडरस्टैंड हु यू आर एंड देन टेक अ डिसीजन, और एक बार डिसीजन ले लिया तो सर पे कफन बांध के उसके लिए मेहनत कीजिए। ग्रेट, एंड बाकी ये हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं कि भगवान आपकी, आपके परिवार की सारी इच्छाएं पूरी करें और आपको इस महामारी से दूर रखे, सेहत बख्शे और कृपा रहे ऊपर वाले की। नाइस पिंडल जी, आपका यहाँ आना बहुत बहुत फ्रूटफुल रहा मेरे लिए भी, और ऑडियंस के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहा, क्योंकि आपको सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, आपके परफॉर्मेंसेस देख देख के बहुत खुश हुए हैं। 52 इयर्स बहुत बड़ा होता है ज़िंदगी का, इन्होंने इसको डेडिकेट किया है फिल्म इंडस्ट्री में, टीचर बने हैं, एक्टिंग सिखाते हैं और बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग सिखाते हैं, और इनका ये कहना मैं मानता हूँ कि ये इसीलिए अच्छा सिखाते हैं क्योंकि ये खुद भी एक्टर हैं। जो खुद एक्टर होता है तो एक्टर की प्रॉब्लम्स जानता है। मेरी शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग जब मैंने शुरू की है तो उसमें इन्होंने आगरा में संभाला, तो मुझे खुशी है कि आज इन्होंने आके न सिर्फ अपने करियर के बारे में बताया है, कई मसलों पर हम लोगों ने बहस भी की है। जैसे लास्ट में आपने देखा होगा कि हम दोनों एक दूसरे पर चढ़ गए थे ऑलमोस्ट पर मेरा ये व्यू है तो है, इनका व्यू है तो मुझे कई बार लोगों ने कहा है सर 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 गेस्ट को बोलने दीजिए। मैंने कहा ओए मैं भी बोलूंगा, दिस इज ये दोस्ती का हक, दोस्ती का हक है। और मैं इन लोगों को, मैं कोई इसके लिए नहीं बुलाया है कि मैं सवाल दूं और बैठ जाऊं ऐसे करके, मजा नहीं आता। आई मीन आई एम इट्स अ लाइवली वे ऑफ दिस थिंग एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड इट। लोगों ने कहा सर भूल जाइए उनके कमेंट्स को, 98% लोग कहते हैं सर आप भी बोलते हैं, दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया है। ग्रेट, आई सैल्यूट टू हिज डेडिकेशन टू दिस इंडस्ट्री। I mean, I salute to his thinking कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। Again, it is his, मेरे को फर्क पड़ता है क्योंकि मैं थोड़ा सा अहम ही नहीं कहूँगा, खुददार कहूँगा अपने आप को, पर ये मेरी डेफिनेशन है, इनकी लाइफ जीने की डेफिनेशन अलग है, पर ये भी सही है, मैं भी सही हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्टर बनना है, शीशे के सामने खड़े होकर देखिए क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि अगेन जैसे इन्होंने कहा कॉमेडी इज नॉट इज अ सीरियस जॉब, इसी तरह से एक्टिंग या फिल्म मेकिंग इवन इज अ सीरियस जॉब। So, आपका स्वागत है, अगर आप लोग कभी आना चाहते हैं, इनसे आपने एक्सपीरियंस लिया है। मैं पिंडल जी यहीं मैं अपने इस एपिसोड को, अपने इस साक्षात्कार को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का। थैंक यू। और मुझे मालूम था आप आओगे, आपके प्रॉब्लम्स थे, कोरोना के भी प्रॉब्लम्स फैले हुए हैं, इसलिए टाइम लगा इनको लाने में, अदरवाइज इनको इनके साथ भी मैं 1.5 महीने से कॉन्टैक्ट में हूँ, 2 महीने से। पर अगेन मैं बोलता हूँ कि आप अपने कम्फर्ट लेवल से आइए, तो ये इन्होंने मेरी 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 प्रॉमिस, इन्होंने अपनी प्रॉमिस रखी है, आए हैं और अच्छा बैठे हैं, हम लोगों ने काफ़ी काफ़ी बातें की हैं।
आपको सुनना पड़ा, झेलना पड़ा हम दोनों को. सो थैंक्स अ लॉट गुफी जी. बट अगेन वही बात कहूंगा जो मैं, गुफी जी नहीं, सॉरी, मेरे को शकुनी ने इतना घुमाया है अपने बारे में कि गुफी याद आ जाता है. इसीलिए शिखंडी ने मार दिया तुमको. इसीलिए शिखंडी ने मेरी जीवन रेखा विषय पितामा की खत्म कर दी. मुझे तो इसको गुस्से से कहना था, शिखंडी अगली बार आना, तो इस तरह से. एंड आई विल जस्ट स्माइल. सो पेंडल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए. और मैं वो जो लास्ट सवाल, लास्ट बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी तक भी कुछ सवाल आपके हमारे हमारे तरफ आते हैं कमेंट्स में, अगर पब्लिक ने पूछा तो कुछ सवाल के लिए आपको फिर से बुलाया जाएगा. एनी टाइम, एनी टाइम. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग. थैंक यू. एंड मैं अभी मैं अपने शो में हमेशा अपने गेस्ट को कुछ ना कुछ हमें गिफ्ट का एक हमने सिस्टम शुरू किया है, नॉट फॉलोइंग द अदर पीपल, बट ये मेरे अंदर से बात निकली थी, चलो दो. तो मैं एक गिफ्ट मैं इनको देना चाहूँगा, वो गिफ्ट को लाया जाए. ये है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. थैंक यू. ये शक्तिमान की तरफ से कोरोना फ्री ईयर आप लोगों को विश किया जाता है. थैंक यू. शक्तिमान की घड़ी है इसमें. सो नाइस कमिंग. ओके.